आईफोन 8 प्लस ये आईफोन 2017 में लॉन्च हुआ था, पर स्टिल मुझे अभी भी आज की डेट में बहुत से लोगों की क्वेरीज आती है रिगार्डिंग दिस आईफोन, क्योंकि उन लोगों का बजट एकदम ही स्टक है अराउंड 16-17 हजार रुपए एंड लगभग इस प्राइसिंग में आपको आईफोन 8 प्लस इजीली मिल जाता है। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आपको आईफोन 8 प्लस अभी बाय करना चाहिए जिस फोन को 5 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। सो गाइस मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि हम इसी आईफोन की बात करने वाले हैं डिटेल में एंड हम सभी एस्पेक्ट पे बात करेंगे, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ, इसके कैमरा की परफॉर्मेंस एंड इसी के साथ हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों की एंड आई गारंटी इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वॉचिंग गैजेट्स लाइफ, लेट्स बिगिन। अगर आपको भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पसंद हैं, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। सो पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज की, दैट आपको इतने पुराने आईफोन्स कहाँ मिलेंगे ना, आपको कहाँ से परचेज करने चाहिए। सो इस तरह के पुराने आईफोन्स को परचेज करने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं, रिफर्बिश्ड या फिर यूज्ड फोन। सो आप लोग रिफर्बिश्ड फोन बाय कर सकते हो काफी सारी वेबसाइट से जिन पे आपको पर्टिकुलरली कुछ टाइम की वारंटी मिलती है एंड कुछ दिन का रिप्लेसमेंट टाइम। वहीं आप लोग बाय कर सकते हो ओएलएक्स या फिर किसी सेकंड हैंड मोबाइल शॉप से। सो गाइस आई स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर आपको इतने पुराने आईफोन्स बाय करने, किसी ऐसी जगह से बाय करें जहां से आप पहले फोन को देख सकें, उसकी कंडीशन, उसकी फंक्शनिंग कैसी है, क्योंकि वेबसाइट से ऑर्डर करने के बाद कई बार फोन्स में काफी इशू मिलते हैं, फिर जो रिप्लेसमेंट का प्रोसेस है इतना ज्यादा इजी नहीं होता है। सो आई रिकमेंड अगर आप रिफर्बिश्ड फोन बाय कर रहे हो, सो पर्टिकुलरली किसी स्टोर से जाके बाय करें फोन को देखने के बाद या फिर किसी ट्रस्टेड मोबाइल शॉप से। सो नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द फोन। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड लुक से। आपको फ्रंट से वही टिपिकल लुक मिलता है जो कि पुराने आईफोन्स में मिलता था, बड़ी बड़ी बेजल्स एंड होम बटन। वहीं बैक में आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप एंड ए पर्टिकुलर डिजाइन आईफोन 7 प्लस एंड आईफोन 8 प्लस में फॉलो हुआ था। सो टोटली जाता आपकी पर्सनल चॉइस पे। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो सभी आईफोन्स की तरह बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। फ्रंट एंड बैक में मिलता है ग्लास, साइड्स में एल्यूमिनियम फ्रेम। अब एक चीज आपको यहाँ पे नोटिस करनी होगी, दैट ए फोन इतना तो कॉम्पैक्ट नहीं है जस्ट लाइक आईफोन 10 या फिर 10s एंड फोन की हाइट के साथ साथ फोन की विड्थ भी अच्छी खासी है। सो डेफिनेटली फोन सिंगल हैंडेड यूज के लिए नहीं बना है, स्पेशली जिन लोगों के हाथ का साइज थोड़ा छोटा है उन लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं इसी के साथ इस फोन में आपको मिलती है IP67 की रेटिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। इसमें आपको मिलती है 5.5 इंचेस की रेटिना IPS LCD डिस्प्ले जिसमें आपको मिलती है 625 nits की टिपिकल ब्राइटनेस। वहीं इसी के साथ दो चीजें इस फोन के डिस्प्ले को स्पेशल बनाती हैं, दैट इज रेजोल्यूशन एंड 3D टच, क्योंकि इसमें आपको मिलता है फुल HD रेजोल्यूशन जो कि इनफैक्ट आईफोन 10 और आईफोन 11 में भी मिसिंग है। एंड इस फोन की पिक्सल डेंसिटी है 401 एंड डेफिनेटली ये डिफरेंस विजिबल है। सो इन टर्म्स ऑफ पिक्सल डेंसिटी एंड शार्पनेस ये डिस्प्ले इन आईफोन से भी बेटर है एंड इसी के साथ लेटेस्ट आईफोन्स 3 टच को लैक करते हैं। सो पर्टिकुलरली मुझे ये काफी ज्यादा पसंद था क्योंकि इसकी जो फंक्शनिंग थी काफी यूनिक थी एंड काफी टाइम सेविंग था एंड इसी के साथ आपको यहाँ पे देर तक होल्ड करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको फोर्स टच करना होता था एंड पर्टिकुलरली मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा लगता था, बट सैडली एप्पल ने इसको अब हटा दिया है। सो ओवरऑल फोन का डिस्प्ले काफी अच्छा है, काफी कलर एक्यूरेट है, बट ऑब्वियसली प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पे बेस्ट डिस्प्ले तो नहीं मिलता है क्योंकि इसी प्राइस रेंज में न्यू फोन्स में आपको मिलती है एमोलेड डिस्प्ले। सो पर्टिकुलरली अगर आपको डिस्प्ले का ज्यादा कंसर्न है, सो आपको थोड़े बहुत और पैसे करके मिल जाएगा आईफोन 10 जिसमें मिलती है ओएलईडी डिस्प्ले एंड दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। सो इसमें आपको मिलती है A11 बायोनिक चिप अलोंग विद 3GB ऑफ रैम। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डे टू डे टास्क या फिर नॉर्मल परफॉर्मेंस की, सो उसमें कोई इशू नहीं है, फोन काफी स्नैपी चलता है एंड आपको iOS का काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। फोन की स्पीड अभी भी काफी ज्यादा अच्छी है, आपको डिसेंट मल्टीटास्किंग मिलती है एंड वहीं स्पेशली अगर हम बात करते हैं गेमिंग की, अब स्पेशली आईफोन 8 प्लस एंड आईफोन 10R ये दोनों फोन काफी ज्यादा पॉपुलर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ गेमिंग एंड स्पेशली गेमर्स ने इन फोन को काफी ज्यादा रिकमेंड करा है। बट क्या आज के डेट में आईफोन 8 प्लस अच्छी गेमिंग करवा पाएगा? आपको गेम्स में वो हाई सेटिंग्स तो नहीं मिलती हैं जस्ट लाइक आईफोन 10R और लेटर। पर्टिकुलरली अगर हम बात करते हैं BGMI की, जिसमें आपको मिलता है स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का सपोर्ट एंड फर्दर ग्राफिक सेटिंग्स बढ़ाने के बाद आपको 60fps का सपोर्ट नहीं मिलता है। सो पर्टिकुलरली स्मूथ प्लस एक्सट्रीम पे गेम प्ले काफी अच्छा रहता है एंड आई वुड से नॉर्मल टू कैजुअल गेमिंग आप इजीली कर सकते हो, बट वहीं अगर आपको करनी है हार्डकोर गेमिंग, सो डेफिनेटली उस केस में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंड आपको लेना चाहिए कोई और लेटेस्ट आईफोन विद एटलीस्ट A12 बायोनिक चिप। वहीं अगर हम बात करें हीटिंग की, सो पर्टिकुलरली A11 बायोनिक चिप हीट हो जाती है, बट स्पेशली इसके कंपैरिजन में आईफोन 8 में काफी ज्यादा हीटिंग है, इसमें कम हीटिंग है ड्यू टू बिगर बॉडी एंड स्पेशली समर्स में वाल गेमिंग और कैमरा यूजेज ये फोन नॉर्मल से ज्यादा हीट हो जाता है। बट वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्मल यूजेज की,
तो उस सिचुएशन में इनफैक्ट ये फोन वार्म भी नहीं होता है, काफी अच्छा परफॉर्म करता है। एंड वहीं अगर आप बात करें सॉफ्टवेयर सपोर्ट की, सो आईफोन 8, 8 प्लस एंड आईफोन 10 इन आईफोन्स के लिए iOS 16 की लास्ट अपडेट है। एंड पर्टिकुलरली इन तीनों ही फोन्स को iOS 17 की अपडेट नहीं मिलेगी। एंड इसी के साथ इन तीनों ही फोन्स में iOS 16 के काफी फीचर्स भी मिसिंग है, बट स्टिल ये एक अच्छी चीज है दैट आपको इसमें अभी भी iOS 16 का सपोर्ट मिल रहा है। एंड लेटेस्ट iOS 16 में फोन अभी भी काफी स्मूथ चलता है विद एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। सो फाइनली हम बात करते हैं इसके कैमरास की। बैक में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप, प्राइमरी एंड टेलीफोटो लेंस। सो अगर हम बात करते हैं प्राइमरी लेंस की, आई वुड से काफी डिसेंट परफॉर्म करता है, आपको इतनी ज्यादा अच्छी HDR परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। एंड वहीं अगर हम बात करें कलर्स की, सो वो भी काफी ट्रू टू लाइफ रहते हैं, आपको नए फोन्स की तरह पंची कलर्स नहीं मिलेंगे, बट वहीं फोटोज में डिटेल्स काफी अच्छी मिल जाती हैं। बट वहीं रियल मैजिक शुरू होता है व्हेन वी स्विच टू टेलीफोटो लेंस। सो यहाँ पे आपको मिलता है 57mm का टेलीफोटो लेंस, बट गाइस रिमेंबर इस लेंस में OIS का सपोर्ट नहीं है, बल्कि आईफोन 10 के टेलीफोटो लेंस में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है। बट स्पेशली आईफोन 8 प्लस के पोर्ट्रेट फोटोज में आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लोजअप इफेक्ट मिलता है, जस्ट लाइक DSLR एज कम्पेयर टू आईफोन 10। सो इस वजह से आज की डेट में भी बहुत से लोग आईफोन 8 प्लस का टेलीफोटो लेंस प्रेफर करते हैं। प्राइमरी लेंस की तरह ही यहाँ पे जो कलर्स एंड डायनेमिक रेंज है वो आज के टाइम के हिसाब से आपको कम लग सकती है, बट स्टिल यहाँ पे आपको जो ब्लर मिलता है, एज डिटेक्शन डिटेल्स मिलती हैं, वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। एंड स्पेशली अच्छी लाइटिंग में या फिर हार्श सनलाइट में सैंपल्स काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। वहीं अगर हम बात करें वीडियोस की, सो बैक में दोनों ही लेंसेज शूट कर सकते हैं 4K 60fps वीडियो। एंड टेलीफोटो लेंस होने की वजह से आपको वीडियो में जूम भी अच्छा खासा मिल जाता है, बट जैसा आपको मैंने बताया इसके टेलीफोटो लेंस में OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है, सो जिसकी वजह से वीडियोस इतनी ज्यादा स्टेबल नहीं आएंगी एज कम्पेयर टू प्राइमरी लेंस। एंड आपको अपने हाथ को ज्यादा स्टेबल रखना पड़ेगा। इसी के साथ मिलता है 7MP का सेल्फी कैमरा, सो आई वुड से दिस इज प्रेटी एवरेज। सेल्फी कैमरे से लिए गए फोटोज आपको डेटेड लग सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स कलर्स। सेल्फी कैमरा से शूट कर सकते हो 1080p 30fps वीडियो, सो वीडियो की क्वालिटी इज गुड। एंड स्पेशली हार्श सनलाइट में इसके कैमरास अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट एज ए फोन काफी पुराना है, इसमें आपको इतनी हाई एंड इमेज प्रोसेसिंग नहीं मिलती है, सो इस वजह से डिफिकल्ट सिचुएशंस में आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैटरी लाइफ की। सो मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ दैट बैटरी लाइफ काफी सब्जेक्टिव रहती है इतने पुराने आईफोन्स के लिए, क्योंकि ये चीज टोटली डिपेंड करती है फोन में ओरिजिनल या फिर थर्ड पार्टी बैटरी है, बैटरी हेल्थ कितनी है, बैटरी की क्वालिटी कैसी है। सो पर्टिकुलरली इस आईफोन में है 100% बैटरी हेल्थ, दैट मींस बैटरी चेंज है। एंड आई वुड से यहाँ पे इजीली 4 से लेकर 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, सो ऑब्वियसली छोटे आईफोन्स के कंपैरिजन में काफी अच्छी बैटरी लाइफ रहेगी, जस्ट लाइक आईफोन 7, आईफोन 8 एंड इनफैक्ट आईफोन SE सेकंड जनरेशन। सो गाइस अगर आपको बैटरी का कंसर्न है, आईफोन 8 प्लस काफी डिसेंट परफॉर्म करेगा एंड मिनिमल टू नॉर्मल यूजेज में ये फोन आराम से एक दिन चल जाएगा। बट वहीं अगर आपका मीडियम टू हाई यूजेज है तो आपको फोन को 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। सो ये तो सभी बातें हो गई अबाउट द फोन। फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की। सो गाइस इस फोन को लेने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी होगी, दैट इज एज ऑफ द फोन। एज ए फोन 5 साल से भी ज्यादा पुराना हो चुका है, सो आपको ऐसा कोई ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन इस फोन से नहीं रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, कैमरा। एंड स्पेशली जो लोग इस फोन को लेने का सोच रहे हैं एज अ प्राइमरी डिवाइस, सो आई डोंट रिकमेंड। थोड़े और पैसे ऐड करके या फिर अगर आपका बजट नहीं है थोड़ा सा वेट करके आपको लेना चाहिए एटलीस्ट आईफोन 10R। बट वहीं जो चीज़ आपको मैंने बताई अगर आप उनसे सेटिस्फाइड हो, बजट एकदम ही टाइट है एंड स्पेशली अगर आप लोग आईफोन परचेज करना चाहते हो एज अ सेकेंडरी डिवाइस, सो आप डेफिनेटली इसे बाय कर सकते हो। सो गाइस आप लोग इसका कंपैरिजन किस आईफोन के साथ देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज हैं यू कैन आस्क। वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, टिल देन टेक केयर।